दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अप्रैल रविवार 2022 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 10 अप्रैल का ये दिन कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, कौन कौन से शुभ योग बनेंगे और इनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह पड़ेगा, आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में धन लाभ होंगे, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियाँ बरतनी हैं, कहाँ कहाँ नुकसान होंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। 10 अप्रैल 2022 को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, सुकर्मा नाम का योग रहेगा, रविवार का ये दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है, सूर्य मीन राशि में रहेंगे। आज का राहुकाल का समय रहेगा शाम 5:11 से लेकर शाम 6:45 तक का समय आपके लिए अशुभ है। समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, कोई भी नया काम ना करें। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:05 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आज आपका शुभ अंक रहेगा 9। ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आज आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी। वीडियो में अंत तक बने रहें, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज का ये दिन तुला राशि वालों आपके लिए कई मायनों में बेहद खास रहेगा। देखिए, चंद्रमा आज की बात करें तो आज आपके लग्न में चंद्रमा विराजमान है और साथ ही साथ ये आज आपके धन भाव पर भी दृष्टि डालने का काम करेंगे। एक तो आज का ये दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा, क्योंकि ये धन यहाँ पर कई ऐसे योग बन रहे हैं, सर्वा सिद्धि योग रहेगा जो कि आपके लिए बेहिसाब खुशियाँ लेकर आएगा। आपके लिए खुशियाँ प्राप्त करने के बेहद शुभ योग बन रहे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी पूंजी निवेश के लिए सोच रहे थे तो इसके लिए भी बड़ा अच्छा ये दिन रहेगा, पूंजी में निवेश आप कर सकते हैं। बाकी समय से जो लंबे जमीन सौदे आपके पड़े थे, पेंडिंग रुके हुए काम थे, ज़मीनी सौदे थे या कोई भी ज़मीनी काम था, वो भी आज आपके फाइनल होते हुए आपको दिखाई देंगे, उनका शीघ्र ही निपटारा होगा। यहाँ पर आपके भाग्य में आपका भाग्य आपका साथ देगा, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपके भाग्य का आप पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा योगदान रहेगा ये जो समय होगा। इसके अलावा आगे आने वाला जो समय है ये भी आपको बड़ा अधिक आर्थिक लाभ देकर जाएगा। इस चमत्कारी निवेश के लिए, इस चमत्कारी लाभ के लिए आप शाबाशी के पात्र यहाँ पर बनने वाले हैं, क्योंकि इस समय धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। एक भारी भरकम अमाउंट आपके हाथ में आएगा, पैसा आपके हाथ में आएगा, यहाँ पर आपका लाभेश, आपका कर्मेश प्रभावित होगा, यानी जो भी अच्छे प्रभाव हैं वो आपके लग्न भाव से ही होने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा लग्न भाव में बैठे हैं। तो चंद्रमा की स्थिति से आज आप लंबी अवधि के लिए बड़े सौदों में निवेश कर सकते हैं या कोई बड़ी डील आप फाइनल कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी डील फाइनल करना चाहते थे लंबे समय से तो उसमें भी यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर जो भी अवसर आज आपके पास आएंगे उनको आप तुरंत स्वीकार कर लें। दोस्तों, ये समय ऐसा होगा जो आपके लिए लंबी अवधि के लिए धन को सुरक्षित करके जाएगा, आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, जहाँ पर आपके भाग्य में बहुत से स्रोत से ज़मीन प्राप्त करने के योग भी बन रहे हैं, यानी कि ज़मीन की प्राप्ति आपके लिए हो सकती है। पहले से आप अवसरों को परख लें, इसके बाद ही कोई अवसर का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको चालाकी का परिचय देना है, चालाकी से आगे बढ़ना है, तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी एहसास होगा कि अब आप अपनी मेहनत से कितने आगे आए हैं और कितने आगे आ चुके हैं, कि सफलता पाने के लिए लगातार अपना ध्यान आप केंद्रित करते जा रहे हैं। और ध्यान यही रखना है कि आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएँ। देखिए, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, प्रयासों का सफल परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, जिसे देखकर आपको काफ़ी खुशी भी होगी। साथ ही आज आपको लगातार काम करने से अपने साथियों से भी इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, उपलब्धियों से भरा ये समय रहेगा, ये दिन रहेगा। यहाँ पर आप बड़े खुश होकर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, सुख प्राप्त कर पाएंगे। साथ में आगे आने वाले समय में भी आपके लिए ऐसे सुख और मानसिक रूप से शांति देने का समय साबित होगा। इसके अलावा इस दिन को आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर, प्रेमी या प्रेमिका के साथ खूब इंजॉय करेंगे। साथ में यहाँ पर अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी कुछ अच्छे सपने सजाएंगे, अच्छे विचार विमर्श करेंगे, काफ़ी अच्छी बात है।
ऊंची ऊंची बातें सोचेंगे। दोस्तों आज आप अपनी उपलब्धियों से बहुत खुश होंगे, जिसकी वजह से आप अपने परिवार वालों के साथ अपनी बातें साझा करेंगे। अपने सुनहरे भविष्य की प्लानिंग करते हुए आप नजर आएंगे। आज ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने प्रेमी को, अपने प्रियतम को मित्रों से भी मिला सकते हैं, या अपने परिवार घर वालों से अपने माता पिता से मिला सकते हैं। समय बड़ा शुभ रहेगा, आमदनी में भी आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन में तो छप्पर फाड़ कर खुशियाँ बरसने वाली हैं। यानी अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं और आपका साथी वर्किंग है, तो आज उनकी तरफ से आपको बड़ा अच्छा लाभ हो सकता है, बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, उनको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। साथ ही जीवन साथी की तरफ से यहाँ पर आपको मान सम्मान में भी वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए जो उपलब्धि होगी इसको आपको एंजॉय करना है। और देखिए, अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी आपको अपने परिवार से, अपने समाज से मान सम्मान की प्राप्ति बड़ा अधिक होगी। बेहद अच्छे योग मान सम्मान मिलने के बन रहे हैं। आज का ये दिन आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपका रुतबा बढ़ता हुआ आप दिखाई देगा। कुल मिलाकर आपको ऊंचा करने के लिए बहुत से योग बन रहे हैं, जिनका फ़ायदा आपको उठाना है। बड़ा अच्छा समय है, प्रेम जीवन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन दिन रहेगा। प्रेम आपका परवान चढ़ेगा। जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो देखिए उनमें आज आपको एक अलग ही सुकून होगा, काफ़ी रोमांस होगा। रोमांस के नए नए अवसर, नए नए मौके आपको मिलेंगे। अपने प्रेमी के साथ किसी पार्टी में जा सकते हैं, मौज मस्ती हो सकती है। साथ ही आज आपका रिश्ता कहीं विदेश में तय हो सकता है। यानी अगर आप तुला राशि के अविवाहित जातक हैं, यहाँ विदेश जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि विदेश जाने की लाइन आपकी खुल चुकी है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है विदेश से आपका कोई रिश्ता आ जाए और ये रिश्ता तय हो जाए, जिसकी वजह से आपको विदेश जाने का मौका मिले या फिर आप विदेश में सेटल हो जाएं। कुछ ऐसी ही यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बन रही हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपकी सोच से अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। हर तरह से ये दिन आपको सुख समृद्धि देकर जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपकी किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मुलाकात आपके बड़ा काम आएगी, तो इसका भी फायदा आपको उठाना है। इसके अलावा आज अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे, अपने कामों से दूसरों को लुभा पाएंगे, जिसके चलते आपके कामों को देखकर आपकी प्रशंसा की जाएगी। आज आपका कोई उपहार भी आपको दे सकता है, जिसको पाकर आप काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमने कहा कि चंद्रमा आपके लगन में बैठे हैं, जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रहे हैं। व्यक्तित्व अब जैसे ही मजबूत होता है, तो देखिए यहाँ पर आप मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अगर मजबूत दिखेंगे तो आपको इस समय कोई हरा नहीं सकता है। आप हर क्षेत्र में अच्छी कामयाबी पा सकते हैं, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप नौकरी करते हों या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, दुकानदारी करते हैं, तो अब आपको हर क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस दिन का पूरा पूरा लाभ आपको उठाना है, साथ में इसको अच्छे से इंजॉय करना है। बाकी आज आप अपने वर्तमान में भी अपने रोमांटिक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करते दिखाई देंगे, जिससे आपका आपसी विश्वास बढ़ेगा। आप दोनों ही अपने परिवार को लेकर जिम्मेदार रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपकी बातचीत द्वारा परिवार में जो निरस्ता फैली हुई थी, उसे भी आप दूर करते हुए दिखाई देंगे, अपने रिश्तों को मजबूत बनाते दिखाई देंगे। इतना अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस राशि के विद्यार्थियों के बारे में। यहाँ पर देखिए समय बड़ा बलवान है और दिन का पूरा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है बड़ा अनुकूल बनी हुई है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत से अधिक फायदा मिल सकता है। यानी आप जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत को अगर आप पूरी जी जान से कर रहे हैं, तो तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आगे बढ़ने से, अपनी ऊँचाइयों तक पहुँचने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, अच्छे परिणाम लेने से। बस ऐसे ही आपको मेहनत करते जाना है और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। ख़ास तौर से देखिए उन लोगों की बात करें जो आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको अच्छे परिणाम अब हासिल होंगे। आप लोगों के लिए ऐसा समय होगा कि अब आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता हासिल होगी। क्योंकि यहाँ पर लग्न में चंद्रमा विराजमान है, जो आपको मनचाही सफलता, अच्छी उपलब्धि दिला सकते हैं। इस दिन का पूरा पूरा लाभ आपको उठाना है। सेहत की बात करें तो देखिए हम आपके स्वास्थ्य के बारे में, आज आपके ऊपर जो काम है बड़ा अधिक रहेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है या थकावट आपको महसूस हो सकती है। इसलिए अगर आप कंप्यूटर पर बैठकर ज़्यादा समय तक काम करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, तो आज आपको अपनी आँखों को उचित आराम देना है। थोड़ा बहुत आराम जरूर करें, आराम से ज़्यादा आप अपने काम के लक्षणों का पता लगाएं कि किन लक्षणों से आपको तनाव हो रहा है या आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इससे क्या होगा कि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे और अपना पूरा पूरा ध्यान रख सकेंगे, इस दिन को खूब इंजॉय कर सकेंगे। अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आप ख्याल रखें, वाहन चलाते समय सावधान रहें, यातायात के नियमों का पालन करें। और देखिए ये दिन आप लोगों के लिए कुछ खास परिणाम लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपको नई नई तकनीकें प्राप्त होंगी, नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे।
और जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। आप नए विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय। मित्रों, आज के लिए का दान अवश्य करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।